शुमाली अजीस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई में दहशतगर्दों की मौजूदगी की तलापा की। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सोहराब जानान शामिल। सोहराब जानान 16 मार्च के हमले का मास्टरमाइंड था। पेलाकंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ठिमनामर शहीद कैप्टन अहमद बदर के अहल-ए-खाना से इजहार ताज़ियत। शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले लगा लिया। कहा, कैप्टन अहमद बदर समेत तमाम शहदा कौम के माथे का झूमर है, कुर्बानियां कभी रायगढ़ नहीं जाने देंगे। IMF से मुज़ाकरात का आखिरी रोज, $1.1 अरब की किस के लिए स्टाफ लेवल माहदे का इम्कान। किस 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत मिलेगी। माहदे की सूरत में IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 15 अप्रैल को रकम की फराहमी की मंजूरी देगा। आलमी इदारे पाकिस्तान के इकदाम पर मुतमईन। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रोड मैप और इदारा जाती असलाहत सुस्त होने पर अदम इतमान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और नए बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए भी दरख्वास्त देंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का पहला रोज, सिलसिला कल भी जारी रहेगा। पंजाब में 12 सीटों के लिए 28 उम्मीदवार, सिंध की 12 सीटों पर 38 उम्मीदवार पंजा आजमाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीटों पर 42, बलूचिस्तान की 11 नशिस्तों पर 38 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। 21 मार्च को कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर हो सकेंगी। ट्रिब्यूनल 25 मार्च को अपीलों पर फैसले सादिर करेगा। पंजाब काबीना ने 4,480 अरब रुपए के ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती बजट के लिए 656 अरब, समाजी तहफ़ुज़ इकदाम का तखमीना 20 अरब रुपए, सेहत 473, तालीम 596, तामीरात के लिए 382 अरब रखे जाएंगे। रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान कुछ देर बाद बजट पेश करेंगे। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान की यकीन दहानी। कहा कि निगरान हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 126 के तहत अखराजात किए। ये मुल्क की तारीख का तवील निगरान सेटअप था। अकबर एस बाबर PTI के कानून का घेरा तंग कराने के लिए सरगर्म। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी को खत, तमाम गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट की तहकीकात का मुतालबा। कहा, फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके, अमल दरामद नहीं हुआ। निशानदेही के बावजूद गैर मुल्की अकाउंट से मुतालिक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अकाउंट का मूल दुश्मन कार्रवाई में इस्तेमाल होना खारिज इम्कान नहीं। कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल के लिए बड़े इकदाम। ईद के बाद इलेक्ट्रिक बसेस के 2 नए रूट का आगाज, पिंक बसों की तादाद बढ़ाने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, निगरान हुकूमत में प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार हुए। सिंध भर में आज से मंशियात के खिलाफ क्रैक डाउन का ऐलान। जर्मनी में कत्ल किए जाने वाले पाकिस्तानी शहरी फहीमुद्दीन की नमाज जनाजा अदा। अजीज़ाबाद में मकतूल के घर पर ताज़ियत करने वालों का तांता। अहल-ए-खाना और अज़ीज़ व अक़ारिब की बड़ी तादाद पहुंच गई। अफसोसनाक वाक़ये में जख्मी होने वाले फहीमुद्दीन के अहलिया की हालत खतरे से बाहर। फहीमुद्दीन 1992 से फैमिली के साथ जर्मनी में रहायश पसीर थे। और स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, चरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। हुकाम के मुताबिक शरह सूद बरकरार रखने का फैसला कमेटी के इजलास में किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।